चलो देखो, अरे मतलब सबके साथ चल जाता है, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फेमिनिस्ट नहीं है वो, है माई सोच है वो, नहीं है वो, ये तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड है यार, मैं क्या हूँ, बहुत अच्छे इंसान हूँ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर, बच्चों मैंने ना कल तुम्हारे कहने पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ हम लोगों ने शुरू से एंड तक इक्विटी मेथड पढ़ा, लॉस की बात करी कल, ये भी बताया कि कैसे दिखाते हैं इसको AS 23। अब अपन लोग दो चार क्वेश्चन बाकी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो काला आ रहा हूँ मैं भाई, रोहित थोड़ा कर ले कुछ यार, जिंदगी में कुछ तो काम आ। तुमने सुन लिया कि हमने क्या बोला, है ना, जाओ। चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए लिमिटेड ने 40% शेयर एक्वायर किया है किसमें, बी लिमिटेड में, 40% शेयर एक्वायर किया है किसमें, बी लिमिटेड में, कब किया है, अप्रैल 11 में, कब किया है, और 10 लाख रुपए में किया है, कितने में किया है, और ऑन द डेट बी लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के इशू कर रखे, मतलब हेड मतलब उन्होंने कर रखे इशू, तो उनकी पेड अप कैपिटल हो गई 1 लाख × 10, 10 लाख, और उनके पास रिजर्व में भी 2 लाख रुपए है, रिजर्व में कितने हैं उनके पास, 2 लाख। अब ये सुनो, ये एक्वायर किया हमने अप्रैल 11 में, कब किए हैं, अब अप्रैल 11 के बाद 11-12 में हमें लॉस हो गया कितने का, 10 लाख, फिर 12-13 में भी हमें लॉस हो गया कितने का, और 13-14 में भी हमें वापस लॉस हो गया कितने का, कंपनी क्या मजाक है, 21 में शेयर खरीद लिए इन्होंने, वो भी कितने, 40%। अच्छा कल मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, कल के आप जैसे नेट एसेट में प्रॉफिट ऐड करके डिविडेंड लेस करते हो, ऐसे ही लॉस को क्या करना है, लेस करना है, लॉस में डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, तो डिविडेंड का कुछ नहीं होगा, तो जैसे प्रॉफिट ऐड होता है नेट एसेट में, ऐसे ही लॉस क्या होता है, लेस। लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई कि अगर आपका लॉस ज़्यादा हो और वो नेट एसेट को एक्सीड कर जाए, तो वो रिमेनिंग लॉस को आपने रिकॉग्नाइज नहीं करना और नेट एसेट नील दिखानी है, और फ्यूचर में फिर कभी प्रॉफिट हो जाए उस प्रॉफिट में से इस लॉस को सेट ऑफ करके ऐड करना है, ये बात हमने कल कर ली, बस उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट देखो, सबसे पहले मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालूंगा मैं ऑन 1st अप्रैल 2011। प्लीज बच्चों इधर देखना, मैंने जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी इस दिन, मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, कितने लगाए हैं, फिर मैं देखूंगा नेट एसेट में मेरा शेयर कितना है, नेट एसेट होती है, मैंने आपको कहा था पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये होती है नेट एसेट। आपको मैंने आगे की और भी चीज़ें लिखाई थी, रिवैल्यूएशन का गेन, वो तो सब किसी क्वेश्चन में काम ही नहीं आया, वो सब कंसोलिडेशन में काम आएगा तुम्हें, ठीक है। तो आपने 1 लाख शेयर है 10 रुपए का है, तो 1 लाख × 10 आपकी पेड अप कैपिटल हो गई 10 लाख, प्लस आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं, 2 लाख के, तो ये हो गए 10 लाख और ये 12 लाख, तो 12 लाख × आपने शेयर लिया है 40%, तो कितना हुआ, 4,80,000, कितना हुआ, एक सुर में बोलेंगे गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, 4,80,000 की चीज के आपने कितने दिए हैं, तो 5,20,000 की क्या है, और ये भी रोज बोलता हूँ गुडविल की अलग से एंट्री नहीं करनी, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही रहेगा, बस आपको ऐसे दिखाना है शेयर इन नेट एसेट 4,20,000 4,80,000 गुडविल 5,20,000 आउटर कॉलम में 10 लाख, ये हमारा कुछ डाउट है बेटा, ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट, ये 10 और ये 12, 40% कितना हुआ 4,80,000। अब ये पागल ऐसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेस करके पागल बने करता है, फिर अपन तो एक तरीका, ये तरीका अपन फॉलो करेंगे, 4,80,000 गुडविल 5,20,000 आउटर कॉलम में 10 लाख, हमारा तो यही रहेगा, बार बार ये कुछ भी करता रहे, समझ गए, 10 लाख हमें दिखाना है, फिर ये ऐसे भी दिखा सकते हो, 4,80,000 गुडविल ऐड करी कितना हो गया 10 लाख। अब अपन अगले साल आते हैं 31, ये तो अपन को 1 अप्रैल को, अब 31 मार्च को हमें लॉस हुआ है, तो ऊपर आओ देखो लॉस कितना हुआ है, हमें लॉस हुआ है 10 लाख का, हम पूरा बियर करेंगे क्या, हम तो 40%, जैसे हमें प्रॉफिट 40% मिलता है तो लॉस भी 40%, तो 10 लाख का 40% 4 लाख, तो हम 10 लाख में से 4 लाख हटा देंगे, 10 लाख में से 4 लाख हटा देंगे, कम आ रहा, ठीक है,
ये रहा 10 लाख में से 4 लाख हटा देंगे कितना हुआ। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 4 लाख का लॉस 4.80 में से एडजस्ट करो तो 80 और 5.20 की गुडविल अलग से दिखाओ तो कितना हो जाएगा 6। तो 10 में से 4 हटाऊंगा तो भी 6 ही आएंगे। और 4 को मैं मतलब तरीका ये हुआ हमारा कि हम पहले लॉस कहां से एडजस्ट कर रहे हैं नेट एसेट में से, फिर कहां से कर रहे हैं गुडविल से, ठीक है ये तरीका हुआ। बट आउटर कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 में से 6 हटा 4 हटाने वो तो दिखने तो 6 ही है, लेकिन 10 में से सीधे 4 हटाना इधर और बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो 4.80 में से 4 हटा के 80 और अब 5.20 की गुडविल तो टोटल आउटर कॉलम में कितना आ गया 6। अब अगले साल हमारी नेट एसेट कितनी बची है 6 लाख लॉस एडजस्ट करने के बाद। अब ये तो बात हुई 31 मार्च 12 की, इनको तो लॉस ही लॉस है, 13 में भी लॉस है। अब 13 में कैसे दिखाएंगे, 13 में हमारी नेट एसेट कितनी बची थी लॉस एडजस्ट करने के बाद 6 लाख जिसमें 5.20 की गुडविल थी। अब इस बार फिर हमें लॉस होगा, इस बार हमें लॉस कितना होगा 12.5 का 40% कितना होगा, कितना होता है 5 लाख का लॉस होगा। अब मैं 6 में से अगर 5 लाख का लॉस हटा दूं तो कितना बचेगा 1 लाख। ये तो है आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी, इसको भी मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि इधर देखो, इधर मेरी जो नेट एसेट बची थी वो बची थी 4.80 पहले और गुडविल बची थी कितनी 5.20 इनिशियल में। उसके बाद क्या हुआ था कि इधर से 4 लाख का क्या हो गया था लॉस हो गया था, तो कितनी बची थी 80 बची थी अब और गुडविल वही बची थी कितनी 5.20। अब इस बार जो मेरा लॉस है वो 5 लाख का है तो 80 में से 5 लाख कैसे करूंगा, तो इधर से तो मैं कितने एडजस्ट करूंगा 80 तो ये नेट एसेट हो जाएगी निल और गुडविल मेरी बची थी कितनी 5.20 और अभी भी लॉस मेरा कितने का हुआ है 5 लाख। 5 लाख में से सिर्फ 80 एडजस्ट हुए हैं तो 4.20 इधर से, तो गुडविल कितनी बच जाएगी 1 लाख। तो ये गुडविल इसने कितनी दिखाई है, गुडविल कितनी 1 लाख। इसके प्रेजेंटेशन में घबराना मत, आप बस ये याद रखना कि टोटल में से लॉस हटा के आउटर कॉलम में दिखाना है और वो लॉस को इनर कॉलम में पहले एडजस्ट किसमें से करना है नेट एसेट किसमें से करना है। ये इसने ना 1 लाख डायरेक्ट लिख दिया और इसको ना ऐसे लिखना चाहिए था कि गुडविल पहले कितनी थी 5.20 तो हटाई कितनी 4.20 तो बची कितनी, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, वापस से एक बार बता रहा हूं, पहले हमारी नेट एसेट 10 लाख थी, पहले साल में हमारा लॉस हुआ 4 लाख का तो कितनी बची 6 लाख, दूसरे साल में हमारा लॉस हुआ 5 लाख का तो कितनी बची 1 लाख। 2 साल हो गए, 2 साल से क्या हो रहा है लॉस ही लॉस हो रहा है, तो हमारी नेट एसेट 10 लाख से घिर के कितनी बची है बस 1 लाख, क्योंकि हम उसमें से क्या माइनस करते जा रहे हैं लॉस माइनस, ठीक है। अगले साल फिर लॉस है, अब हमारी नेट एसेट कितनी बची है 1 लाख और इस साल लॉस होगा 5 लाख, 5 लाख का 40% कितना होता है, लेकिन हमारी तो नेट एसेट ही 1 लाख है तो 1 लाख ही दिखाएंगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 0। अब जो 1 लाख का अनरिकॉग्नाइज था वो पड़ा रहेगा और अगले साल अगर 3 लाख का प्रॉफिट हो जाता है तो 3 लाख में से वो 1 लाख हटा के कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 लाख ही जोड़ूंगा। ये हमने कल थ्योरी में पढ़ा था, उसका ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन, समझ गए एनी समस्या। ये लास्ट वाली चीज याद रखना बस, 1 लाख को 2 लाख का लॉस दिखाऊंगा तो 1 लाख माइनस में चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस में नहीं जाएगी, तो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में उतना ही लॉस माइनस करेंगे जितनी उसकी वैल्यू है, ठीक है, उसे निल दिखा देंगे लेकिन माइनस में नहीं दिखाएंगे। लेकिन कल ये भी बात बताई थी, अगर हमारे ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो लॉस हमें देना ही पड़ेगा तो फिर उसे हमें पीएनएल में दिखाना पड़ेगा, ये मानकर कि ये लॉस हमें इन्वेस्टमेंट तो तब भी नीली दिखाएंगे लेकिन वो जो 1 लाख रुपए का लॉस है वो हमें उसे देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। वैसे अपन कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लॉस हमारा लॉस नहीं है, उसका लॉस है, वो लॉस हमारे इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देगा, बाकी हमसे घर पे मांगने नहीं आएगा। लेकिन अगर वो घर पे मांगने भी आ जाए तो फिर हम अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो फिर देना ही पड़ेगा। जैसे एक बात बताओ मेरे को, बायजूस में शाहरुख खान ने पैसा लगाया, ठीक है, डिजिट करके वो है उसमें विराट कोहली ने पैसा लगाया, इन्होंने पैसा लगाया ना 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगा दिया, अब ये कंपनियां चली गई लॉस में तो इनका 20 करोड़ वाइप आउट हो जाएगा, अब लॉस और बढ़ गया तो विराट कोहली के घर पे ही नहीं क्या मांगने। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो विराट कोहली को देना पड़ सकता है, नहीं तो नहीं देना तो फिर यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नील हो जाएगी, और देना है तो इन्वेस्टमेंट माइनस में नहीं जाएगी लेकिन वो पैसा हमें पीएनएल में करने से करना। ये कल हमने सब थ्योरी में पढ़ लिया, ये पूरे नोट हो गए। दिखाना पड़ेगा ना कि नेट एसेट 1 लाख,
लेस लॉस 1 लाख और निल। ये यहां तक हम लोगों ने ये सारे नोट्स वोट्स सब पढ़ लिए थे, क्वेश्चन अभी देख लिए हमने कहां से शुरू हो रहे हैं। ये 5, 4 तो ऑब्जेक्टिव है, 5th ये भी ऑब्जेक्टिव है, ए बी सी डी और 6, 7 क्या है? चलो ये बताओ कितनी थ्योरी याद है तुम्हें, कब हमें इक्विटी मेथड रिकॉग्नाइज नहीं करना? दो केस थे, जब हमने इन्वेस्टमेंट टेम्पररी पर्पस से खरीदा हो और हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन है कि वो हमें पैसा वापस नहीं देगा, मतलब ऐसी गलत जगह हमने पैसा उलझा दिया है, तो फिर हमें इक्विटी मेथड फॉलो, वेरी गुड, ये भी वापस हो। कब इन्वेस्टर डिसकंटिन्यू कर देगा इक्विटी मेथड? इसमें भी वही बात बताई थी कि जब वो रेस्ट्रिक्शन लग जाए या जब हम लोग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सीज हो जाए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जैसे अभी मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया 20% लगाया और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है। और कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया था थ्योरी में कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अरे इक्विटी मेथड क्यों यूजफुल होता है, क्यों हम इक्विटी मेथड से चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसमें अपन पैसा सिर्फ इसलिए नहीं लगाते कि उससे हमें डिविडेंड मिले, हम उसमें क्या चाहते हैं, पार्टिसिपेशन चाहते हैं, और जब हम पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो उसका प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट, उसका लॉस हमारा, इसलिए हम लोग उसमें इक्विटी मेथड प्रेफर करते हैं। एक बहुत बढ़िया जस्टिफिकेशन इसे दिया था मैंने तुम्हें, लाइव एग्जाम्पल दिए थे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अपन जुड़ते हैं, शाहरुख खान केकेआर से जुड़ा होगा तो सिर्फ इसलिए केकेआर नहीं सूट जुड़ा होगा कि 20-25% लगा दिया, 20-25-30% ही है शाहरुख खान का, 100% नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं जुड़ा है केकेआर में कि केकेआर से प्रॉफिट आएगा, सेल के टिकट के सेल होंगे उससे प्रॉफिट आ जाएगा, इससे एडवर्टीजमेंट से कमा लेंगे, उससे कमा लेंगे, या जो टीम खरीदने के बाद आईपीएल जो विनर होती है उससे कमा लेंगे, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो इसलिए नहीं जुड़ा है, वो जुड़ा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए, उसको उसमें पार्टिसिपेशन चाहिए। ऐसे केकेआर जैसे इन्वेस्टमेंट तो शाहरुख खान ने और भी कर रखे होंगे, वो इन्वेस्टमेंट अपन कह सकते हैं कि वो एसोसिएट ना हो उसकी, 10% पैसा इधर लगा दिया, 5% कोई बिल्डर ने कहा कि यहाँ बहुत बड़ा ये बनेगा, 5% लगा दो, लगा दिया, 10% इधर लगा दिया, सबको हम एसोसिएट नहीं मानते, हम उसको ही एसोसिएट मानते हैं जहां पे आपका क्या हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जहां आप पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसलिए वहाँ इक्विटी मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। बराबर सुन रहे हो? लास्ट चीज़ अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, 8। ब्राइट इंडिया ने एक्वायर करा है 30% ईस्ट इंडिया लिमिटेड में, किसमें आ भी गए, आओ वीडियो तो फिर भी देखनी है, देखो ये कल नहीं आया था क्या, तू कल नहीं आया था, हाँ, और कल तू शादी में खा के आया और यहाँ आज फिर पार्टी, अलग कल तूने तो पार्टी दी नहीं, कैसा हाल है, 20 रुपए ले लेना अंदर से, देखो इधर ब्राइट लिमिटेड ने 30% शेयर खरीदा है ईस्ट इंडिया में, किसमें खरीदा है, ईस्ट इंडिया में, कितने में खरीदा है, 2 लाख, कितने में खरीदा है, बेटा बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, और ये हमने खरीदा है 1 जून 2011 में, कब खरीदा है, 1 जून 2011। इस एक्विजिशन से हमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल रहा है, बढ़िया है बता दिया, नहीं तो 30% तो हमारे लिए काफी था, हम मान ही लेते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल ही, और 30% है मतलब वो हमारी क्या बन गई, एसोसिएट। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2011, भैया हमने खरीदा है 1 जून 2011 में, ध्यान रखना 1 जून 2011 और 31 मार्च इसके पहले आएगा, तो 31 मार्च 11 को इसने कंपनी ने 80,000 का प्रॉफिट कमाया है, कितना कमाया, और उसमें से कंपनी ने 50,000 का डिविडेंड दे दिया, कितना डिविडेंड दे दिया, ये दिया है 12/8 को, कब दिया है, बराबर सुनते जाना एक एक चीज। अब ईस्ट इंडिया लिमिटेड ने 3 लाख रुपए और कमाए 31 मार्च 2012, वो तो 11 में कमाए थे, तो पूरी डेटे अपन लोग लिख लेते हैं, 31 मार्च 11 में इन्होंने कमाए हैं 80 प्रॉफिट, और डिविडेंड इन्होंने दिया है कितना, 50,000, और ऑन कब दिया है, 12/8/2011, और हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन कब है, 1
जून 11, मतलब हमने जून में लिया और इन्होंने अगस्त में डिविडेंड दे दिया। तो एक चीज याद आ रही है आपको, ये जो डिविडेंड हमें मिला है ये प्री एक्विजिशन है, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होता है एज पर एस 13, लेकिन एस 13 के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते हैं कंसोलिडेशन में, अपनी बुक में दिखाते हैं सेपरेट बुक में, कंसोलिडेशन में हम एस 13 के हिसाब से बराबर, याद है ना आपको। चलो 31, अब ये तो एक बात हुई, अब 31 मार्च 12 की बात कर लेते हैं। इस समय हमें कितना प्रॉफिट हुआ है 3 लाख का, और इस साल में हमने फिर डिविडेंड दिया है, डिविडेंड दिया, ये कब दिया हमने 12 जून को, ये कितना दिया हमने 60,000 का, ठीक है सारी चीज़ें आ गई। अब तीन चीज़ पूछिए, एक बात देखो तो इसके नीचे चौथा भी पॉइंट है क्या कुछ, तीन है, तीन चीज़ें क्या पूछी है, एक तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं कितना कैरिंग अमाउंट दिखाऊंगा, ये तो एस 13 के हिसाब से बताऊंगा, कंसोलिडेशन में कितना दिखाऊंगा, यू प्रॉफिट है डिविडेंड है सो वाली नाटक, और कैरिंग अमाउंट 30 जून को क्या होगा, 31 मार्च को क्या होगा और 30 जून को क्या होगा, बहुत बड़े क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, जो ये है वही आएंगे, तो वही उसमें से आते रहेंगे, क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है, 3-4 अटेम्प्ट में से एक बार आता है, ठीक है, मतलब 29 है ऐसे कोई 29 तो क्वेश्चन ही नहीं आते टोटल, तो हर एस में से थोड़ी आएगा, ये मान के चलो 7-8 एस ऐसे होते हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से इसका नंबर लगे चांस कम है, 3-4 अटेम्प्ट में एक बार नंबर लगेगा, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं, बराबर याद रखना, पढ़ के हमें समझाना है, हमें नहीं याद किसमें से क्या आएगा। देखो नंबर 1, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा एस 13 के हिसाब से, उसके हिसाब से पहले मैं लूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैंने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है वो किया है मैंने कितना 2 लाख, इसमें से लेस कर दूंगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है कितना, एक सुर में बोलो ये 50 पूरे मुझे मिलेंगे क्या, हाँ मुझे मिलेगा जितना मेरा शेयर है, कितना है मेरा शेयर 30%, तो कितने मिलेंगे, ये इन्वेस्टमेंट में से कम करूंगा, ये आ गया मेरा कैरिंग अमाउंट। बारह अगस्त को इतना बुरा जूता फेंक के मारूंगा ना, डिविडेंड में मंथ की कैलकुलेशन नहीं करते, वो डिवेंचर में और बॉन्ड में करते थे। अब सुनो एक और बात, आपको वो अगस्त क्या सितंबर, सुन ले फिर गड़बड़ करेगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी डिविडेंड देता ना तो भी आप कुछ नहीं करते, क्यों, क्योंकि डिविडेंड तो मार्च के लिए दे रहा है, और ये मार्च जो मार्च में शेयर थे तो मेरे पास तो जून में आए हैं, तो वो पूरा ही डिविडेंड पिछले साल का है, डिविडेंड में मंथ की कैलकुलेशन नहीं करते, वो अगस्त में सितंबर में अक्टूबर में नवंबर में जनवरी में फरवरी में इनफैक्ट मार्च में भी देता तो भी पूरा लेस होता, क्योंकि वो मार्च में भी जो डिविडेंड देता ना वो पिछले मार्च के लिए दे रहा है, और पिछले मार्च में मेरे पास शेयर नहीं थे, मेरे पास शेयर अभी आया है जून में, समझ गई, गड़बड़ मत करना, और किसी को है ये डाउट, और तुम इन्वेस्टमेंट की शीट खोल लेना, वहां पे भी यही करते थे, अगर 31 मार्च को के शेयर्स मेरे पास थे, जैसे वो लिखता था 1 अप्रैल को मेरे पास थे ऑलरेडी, तो वो डिविडेंड में पूरा लेता था, लेकिन वो डिविडेंड जो मैंने जून में खरीदा है शेयर उसका डिविडेंड मिल रहा है, तो वो कभी भी मिला डिविडेंड ये नहीं देखना, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाय बैंक लिखते थे, क्या लिखते थे, पूरा इन्वेस्टमेंट में से कम होगा वो एस 13 है, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया फर्स्ट वाले का। अब कंसोलिडेशन में कितना दिखाएंगे, फर्स्ट कंसोलिडेशन में भी ये अमाउंट तो लेना ही पड़ेगा, ये मत करना तुम 2 लाख से शुरू करना, ये थोड़ी करेंगे, कंसोलिडेशन में भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख है ही, प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो यहाँ भी लेस होगा, एस 13 में जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो हमने सेपरेट में ले ली, अब जब कंसोलिडेशन में शुरू करेंगे तो इधर से ही तो शुरू करेंगे, तो 2 लाख तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 2 लाख मेरा हक ही नहीं है, 2 लाख में जो मेरे को 15,000 डिविडेंड मिला है वो पिछले साल का है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होना ही चाहिए, ठीक है, डाउट हो तो पूछ ले बेटा, कंफर्म कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
ठीक है, ये तो लेस होगा ही होगा। चलो अब नेक्स्ट, ये हमारा पार्ट वन हो गया। पार्ट टू, पार्ट टू में कोई डाउट है जानवी? पक्का? अभी तक इतनी देर के लेक्चर में मैंने बस ये 15,000 रुपए लेस करे हैं, 2,00,000 क्वेश्चन में गिवन थे, 50 का डिविडेंड मिला है। इतनी सी बात है कि यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मुझे डिविडेंड मिला, ये मेरे हक का नहीं है क्योंकि ये उन शेयर्स पे मिला है जो 31 मार्च को थे। 31 मार्च को ये शेयर मेरे पास नहीं थे, मेरे पास ये शेयर ही जून में आए हैं, तो ये जो डिविडेंड मिला है ये 31 मार्च वाले शेयर का है, तो इसमें मेरा हक, तो जो इन्वेस्टमेंट में मेरा हक नहीं होता डिविडेंड पे, वो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या कर देता हूँ, माइनस, मैंने माइनस कर दिया। ये सिंपल है, ठीक है, ये 15 निमट गए। नेक्स्ट 185 हो गया। अब इसमें क्या होता है प्रॉफिट, अब अगले साल क्या होगा? अब पूछिए मेरे को 31 मार्च 12, कब 31 मार्च 12, मैंने कब खरीद लिए थे? मैंने खरीदे थे 1 जून 11 को, तो 31 मार्च 12, 31 मार्च 12 को क्या होगा? वही नेट एसेट, नेट एसेट से कंपेयर करूंगा। नेट एसेट कितनी आएगी? कंपनी के शेयर वैल्यू है क्या? नहीं है। नेट एसेट कैसे निकालूंगा? निकल ही नहीं सकती। अपन नेट एसेट निकालते हैं शेयर कैपिटल, उसमें वो ठीक है ऐड करते हैं। अभी फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें नेट एसेट नहीं थी, तो अपन ने क्या करा था, जो पुरानी वाली नेट एसेट थी उसी में प्रॉफिट ऐड कर लिया था और उसका ले लिया था, तो यहाँ भी वही चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, COI 185 मुझे निकालनी है 31 मार्च 12 की। कब की निकालनी है? 31 मार्च 12। अब भैया 31 मार्च 12 को हमारा रूल ये होता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो तो हम इधर ले लेते हैं, और जो नेट एसेट होती है उसका 40-30% करके कंपेयर करते हैं कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, तो उसके लिए हमें नेट एसेट चाहिए। इस क्वेश्चन को गौर से देखो, नेट एसेट कैसे निकल सकती है? बोला है ये शेयर्स हमने 2,00,000 में खरीदे, ये ठीक है एक्विजिशन हुआ, ये ठीक है, ठीक है ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है डिविडेंड दिया, ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बार प्रॉफिट 3,00,000 का कमाया है और 31 मार्च को, और बोला है प्रॉफिट इवनली अक्र्यू हुआ है। इवनली अक्र्यू हुआ है मतलब हाँ, लेकिन बेटा वो 2,00,000 में तो मैंने एक्वायर किया है, ठीक है 2,00,000 में तो मैंने एक्वायर किया है, उस कंपनी के शेयर्स कितने हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो फिर क्या? अरे प्रॉफिट तो ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट तो इसमें ऐड होगा, डिविडेंड इसमें से लेस होगा, ठीक है, लेकिन गुडविल कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा ना, नेट एसेट नहीं है हमारे पास। प्रॉफिट आप क्या करते हो, जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है उसमें प्रॉफिट ऐड करते हो, प्रॉफिट तो ऐड हो जाएगा, ये लो ऐड प्रॉफिट। अब आप प्रॉफिट कितना लोगे? प्रॉफिट कमाया हमने 3,00,000 और हमने इन्वेस्टमेंट कब किया था? 1 जून को, तो अप्रैल और मई हटा लो, अप्रैल और मई हटा लो, तो 3,00,000 का प्रॉफिट है 10 महीने का, अप्रैल और मई हटा लो तो 10 महीने हो गए, और 10 महीने में हमारा शेयर कितना है? 30%, ये लो 30%, ये ऐड हो गया। और फिर हम क्या करते हैं? डिविडेंड लेस, यही तो करते ही हम, प्रॉफिट ऐड और डिविडेंड लेस, ये तो कर दूंगा मैं। डिविडेंड कितना कमाया हमने? पहले हमने 80 में से 50 का डिविडेंड लिया, इस बार कितने का दिया? 60, ये लो ये 60 का डिविडेंड, 60 भी हमारा थोड़ी है, हमारा कितना है 30%, तो कितना आया? 18। अब 185 में 75 जोड़ो, एक मिनट जाओ, 260 में से ये 18 हटाओ, ये आ रही है कि एक बार देखो इसकी इसकी यही आ रही है, लेकिन इसमें एक लोचा यही है ना, बस क्या लोचा है, ये तो कर दिया मैंने, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है, ये एड लेस, ये तो ग्रोस कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को पहले लेवल पे नेट एसेट से कंपेयर करता हूँ, और नेट एसेट इसमें मेरे पास कोई हिंट नहीं है निकालने की। जो मेरे को गरिमा कह रही है ना, गरिमा ये कह रही है कि सर आपने 2,00,000 में एसेट खरीदी है, ये शेयर खरीदे हैं और ये 30% है, तो ये 30% की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 30% करके 100% की वैल्यू निकाल लो, लेकिन वो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सुनो सुनो, 2,00,000 मैंने मार्केट से ये शेयर खरीदे, उसकी कंपनी में बुक वैल्यू 2,00,000 थी, 5,00,000 थी, मुझे नहीं पता,
अब इससे पहले के एग्जांपल में भी नेट एसेट नहीं थी, लेकिन उसमें कम से कम पिछले साल की नेट एसेट थी 5 लाख, तो मैंने नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया और 560 बना दी। याद है क्वेश्चन? तो कुछ तो दो मुझे नेट एसेट के लिए, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से गुडविल कैपिटल जोन नहीं निकाली, और इसने भी यही आंसर दे रखा है बस 2:42। हाँ ये चीज मैंने जो डिविडेंड लेस है ना, ये मैंने 30 जून के लिए करी है, 31 मार्च के लिए तो यहीं तक ऐड होगा बस। इसने भी शायद आंसर ऐसे ही दिया होगा, ये इसने कब किया होगा, क्योंकि मैं आगे कैसे चल सकता हूँ, मैं तो 31 मार्च को तो यही रहेगा ना मेरा। अब मैं क्वेश्चन करते हूँ तो मेरे पास सब चीज ही अवेलेबल है, लेकिन 31 मार्च को तो मैं यहाँ हूँ और जून में मैं यहाँ हूँ, क्योंकि जून में डिविडेंड मिला है तो बाद में ही पता चलेगा ना मुझे। तो 31 मार्च को तो मेरा ये आंसर है और जून में मेरा ये आंसर है। मैं तो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ये फाइनल है, लेकिन इस आंसर में एक कमी है जो मैंने तुम्हें बता दी। क्या कमी है? कि इसके अंदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं निकली। लिख लो वहां पे, क्योंकि नेट एसेट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और कोई भी जुगाड़ लगा लो तुम नेट एसेट निकाल भी नहीं सकते इसमें। हाँ ये भी तो करा मैंने माइनस, अच्छा उसमें वो 10 और 12 की कैलकुलेशन वो ऐसी तो बहुत चीजें हैं जो कंसोलिडेशन में होती है या नहीं होती है, उसका तो एएसी अलग है और उसका ट्रीटमेंट ही बुरा लगे। वहां तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकलता है, सब कुछ होता है, यहाँ तो आप खुद ही माइनॉरिटी हो, याद है आप 20% शेयरी है, ठीक है? तो उसको और इसको कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, वो चीज अलग है और ये चीज बिल्कुल अलग है, ठीक है? मेरा पहला डॉट भी इस का ही था, मैं बता। हाँ तो ऐसे मिक्स मत कर तू यार। अगला और कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? इसमें ये चीज लिख लेना तुम्हें ना, गुडविल कैपिटल तो नहीं निकाली हमने क्योंकि नेट एसेट नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा हो नेट एसेट को लेके, जैसे अभी उसने गरिमा ने बोला सही चीज थी वो, लेकिन वो बस वही वाली प्रॉब्लम है कि जो मैंने 2 लाख खरीदा है उसको मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा तो वो 2 लाख में तो मैंने खरीदा है, कंपनी की नेट एसेट तो बुक वैल्यू से निकलेगी, तो उसका बुक वैल्यू तो बताओ। और सुनो, नेट एसेट का सिंपल फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेट एसेट मतलब नेट वर्थ, क्या तुम सब एफएमए रेशियो वेशियो पढ़ के आए हो? नेट एसेट मतलब क्या है? नेट वर्थ। उसके लिए चाहिए मुझे पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक लेवल का तो दो, इसने तो एक लेवल का भी नहीं दिया, फिर मैं क्या करता? सुनो, अगर ये एक लेवल का भी दे देता ना 10 लाख, तो मैं क्या करता? रिजर्व्स ऐड कर देता उसमें, तो वो अगले लेवल का आ जाता। लेकिन नेट एसेट की कोई इंफॉर्मेशन ना होने के कारण हमने गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं निकाली है। चलो, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 25% शेयर खरीदे हैं 31 मार्च 2011 को फॉर 3 लाख। अब देखो 25% शेयर खरीदे हैं कितने में? 3 लाख। और जब खरीदे हैं तब की बैलेंस शीट ये है, गरिमा ये कितने हैं? 10 लाख। इसका 25% कितना होगा? लेकिन हमने कितने में खरीदे? तो जब मैं 3 / 25 करता तो 10 आता क्या? समझ रहे हो? यही चीज समझा रहा था अभी मैं कि इसको रिवर्स कर रहा हूं मैं जितने में मैंने खरीदा है, और पहुंचना मुझे कंपनी की नेट एसेट पे है, तो कंपनी की नेट एसेट पे इससे कैसे पहुंचू? ये चीज का और उस चीज का कोई कोरिलेशन? ये कितने में भी खरीदी जा सकती है, उसका बुक वैल्यू से कोई कोरिलेशन? समझा पा रहा हूं ये चीज में? तो क्लियर है एकदम? अब ये इसमें निकलेगी नेट एसेट, ये है नेट एसेट मेरे पास, ये नहीं 5 लाख की शेयर कैपिटल और रिजर्व है। और इधर से भी चलूं तो नेट एसेट कितनी आएगी? 10 लाख, क्योंकि नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं, तो यहाँ से चलूंगा तो भी 10 लाख, और यहाँ से चलूंगा तो, बच्चों समझ में आ रहा है बराबर? अब 31 मार्च 2012 को खरीदे मैंने कभी? 31 मार्च 2012 को ये इन्फॉर्मेशन है हमें। बी लिमिटेड से डिविडेंड मिला 11 के लिए। देख नवलीन, कब मिला है डिविडेंड? 12 में। कब के लिए? और जबकि 12 में तो मेरे पास शेयर थे, लेकिन
वो शेयर कब के थे? 11 के, और डिविडेंड भी कब का है? तो भले मिला कब है? 12 में, तो अभी तो पूरे साल है मेरे पास शेयर, फिर भी मैं इसे कॉस्ट में से माइनस करूंगा, क्योंकि ये डिविडेंड कब का बिलोंग करता है क्या? ठीक है, मैं याद है तुम्हें इन्वेस्टमेंट पढ़ाते वक्त भी एक चीज बताता था, जैसे मैं करता था सॉल्व, कि जो मेरे हक का नहीं है वो हटाना है मुझे, मुझे P&L में से वही डिविडेंड ले जाना है जो मेरे हक का, जब शेयर मेरे पास नहीं थे तो वो डिविडेंड के हक मेरा, तो वो मुझे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस करो, जो मेरे हक का है वो मैं P&L में ले जाऊंगा। ये बात एक एकदम स्पष्ट कर लेना दिमाग में अपने, क्लियर कर लेना एकदम। चलो आगे आओ, कितना डिविडेंड दिया है कंपनी ने? रिजर्व का 40%, रिजर्व 5 लाख है, तो 5 लाख का 40% डिविडेंड कितना दिया है? 2 लाख। क्या 2 लाख पूरा मुझे मिलेगा? नहीं, तो मेरा डिविडेंड कितना होगा? 2 लाख का 25% कितना आएगा? 50,000। अब इधर देखो, मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3 लाख, इसमें से मैं लेस कर दूं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बच्चों एक लास्ट बार बोल दो, सबको क्लियर है ना, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस होता है AS 13 के हिसाब से, क्योंकि मैंने डिविडेंड शेयर खरीदे 31 मार्च 2011, डिविडेंड मिला 31 मार्च 2012, तो कहने को तो मेरे पास पूरे साल शेयर थे, लेकिन फिर भी ये डिविडेंड मेरा नहीं है, क्योंकि 12 में जो डिविडेंड दिया है वो कौन से साल के लिए दिया है? अब ये मार्च की जगह अगर इससे पहले फरवरी में, जनवरी में, अक्टूबर में, अगस्त में, जुलाई में कब दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिविडेंड दिया कौन से साल के लिए है? पिछले साल के लिए, उस समय मेरे पास शेयर्स, तो ये मैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड मान के लेस करूंगा। कितना डिविडेंड मिलेगा मुझे? 50। तो मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितनी आएगी? अपन ने इलस्ट्रेशन जितने भी करे ना, एक में भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं था, तो हमने माइनस नहीं किया, इसमें जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब में आ रहा है, तो माइनस करेंगे। ठीक है, आ गया हूं नेक्स्ट। अभी ये ऐसे ही निकाला है, पता नहीं पूछा क्या है, वो तो देखेंगे अभी। और क्या है? कंपनी ने 7 लाख का प्रॉफिट 12 में भी, अब ये 12 में जो प्रॉफिट कमाया मैंने शेयर 11 में खरीद लिए थे, और ये पूरा मेरा प्रॉफिट है, और इसमें जो डिविडेंड लेस दिया है कंपनी ने 12 के लिए, वो मैं लेस करूंगा मेरे में से, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है, डिविडेंड लेस होता है। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 2.5 लाख की कॉस्ट आई है, और यहाँ मेरे पास नेट एसेट भी है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, नेट एसेट से गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल लेता हूँ। मेरी नेट एसेट कितनी है? 10 लाख। 10 लाख का 25% कितना आता है? नहीं, ये पहले, ये तो इनिशियल से निकलेगी ना, नहीं, ये नेट एसेट आप पहले जिस दिन खड़े होते हो, जिस दिन निकालते हो, उस दिन भी तो निकालते हो नेट एसेट, मैं बाद में भी निकालूंगा, लेकिन उस दिन भी तो निकालते हैं अपन, उस दिन भी तो निकालते हैं, उस दिन मेरी नेट एसेट यही तो है 10 लाख, 31 मार्च 2011 को, और 31 मार्च 2011 को मेरे कॉस्ट इन्वेस्टमेंट 3 लाख ही है, 3 लाख में से तुम 2.5 लाख हटाओगे तो 50,000 की क्या आएगी? गुडविल आएगी। पर अब तुम चलोगे उधर 31 मार्च 2012 में, 31 मार्च 2012 में क्या होगा कि डिविडेंड मिल जाएगा, डिविडेंड मिलते ही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी 3 लाख से 50,000 कम हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी? 2.5 लाख। एक बार पहले ये देख लो, इसने इनिशियल लेवल पे निकाली है नहीं निकाली। अच्छा, पहले पूछा गया, ये देख लो, ए लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गुडविल आपको निकालनी अगर है तो, और हाउ ए लिमिटेड विल रिफ्लेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी कंसोलिडेटेड में कैसे निकालेगा, और हाउ डिविडेंड जो रिसीव हुआ है वो कैसे, मतलब वही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 बार निकालनी है, एक डिविडेंड मिलने के पहले और एक डिविडेंड मिलने के बाद, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, प्रॉफिट ऐड करेंगे वो एक लेवल, और फिर डिविडेंड मिल जाएगा तो डिविडेंड लेस करेंगे वो एक लेवल, मतलब प्रॉफिट ऐड और डिविडेंड लेस जो हम कंसोलिडेशन में करते हैं। गुडविल नील करिए, मैं भाई गुडविल नील हो जाए, कहाँ है गुडविल नील? ये अलग अलग है क्या सॉल्यूशन? आएगी ना 50,000? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ यार, 2 बार आएगी ना। देखो, आप मेरी बात सुनो, ये क्या तेल लेने, आप बेसिक से कभी मत हिला करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, तरीका ये होता है जो हम पढ़ रहे हैं,
कि ये मैं आज खड़ा हूं, आज मैंने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करा, तो आज नेट एसेट पहले मैं देखूंगा। पिछले क्वेश्चन में थी नहीं इसलिए नहीं देखी, इसमें तो है, और आज मेरी नेट एसेट है 10 लाख, 10 लाख का 25% हुआ 2.5, और मेरी है 3, उसके बाद 3 और 2.5 में गुडविल आ गई 50, इसमें डेट ऑफ एक्विजिशन पे। अब यार खत्म हुआ, यार खत्म होने के बाद जो मेरी गुडविल या कैपिटल रिजर्व है वो भी निकलती है, उसमें भी मैं निकालता हूँ, और उसके बाद हर बैलेंस शीट डेट पे होता है ये, तो क्या होता है, क्योंकि सुनो हर बैलेंस शीट डेट पे नेट एसेट चेंज होती रहेगी, तो हर बैलेंस शीट डेट पे हमें नेट एसेट निकालनी है और उसके बाद ये देखना है। और आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो दो चीजें अपन लोग एडजस्टमेंट करते हैं, तो प्रॉफिट ऐड करते हैं उसके अंदर और एक डिविडेंड लेस करते हैं। अब इसके और तुम्हारा नए वाले में क्या ट्रीटमेंट सॉल्व है? अच्छा ये नहीं है, दे देना जो, एक मिनट रुक जाना, आप एक बार देख ले दो नई पुरानी का क्या नाटक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने अमाउंट पेड टुवर्ड्स एक्विजिशन 3 लाख लिया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 50,000 का माइनस किया, 2.5 आई और 2.5 में से 2 गए, 50,000 की गुडविल है। इसने भी तो यही करा है, बावली पिक्चर। हाँ इसमें देख लो, ये तुम्हारी पुरानी है, तो ये पुरानी है, पुरानी वाली में देख लो, एक मिनट रुक जाओ। अमाउंट पेड 3 लाख है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 5 लाख का 40% का 25% वालों, वही 50,000 रुपये का डिविडेंड, 3 लाख में से 50 लेस किया 2.5, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसने 2.5 ली और गुडविल कर दी नील, जो अभी अपन ने करा वो। अरे बेटा 50,000 का अमाउंट तो कोइंसिडेंटली सेम आ गया है, उससे कोई इसका वो थोड़ी है। अबे ना बिल्कुल चूचा मत करना और एकदम ध्यान से सुन लेना, मैं सारी चीज को सम अप कर रहा हूँ। 2 मॉड्यूल में अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन अलग अलग कुछ भी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आपने इन्वेस्टमेंट करा 3 लाख का, डिविडेंड मिला, प्री एक्विजिशन है, ये मैंने अभी पूरी रामायण गा दी है, बार बार नहीं बोलूंगा। 31 मार्च का डिविडेंड है, मेरा नहीं है, मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया 2.5, अब 50, तो मेरी नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बची 2.5 एज पर AS 13। अब ये जो यहाँ नेट एसेट ले रहा है ना, ये 31 मार्च की अगली वाली नेट एसेट है। कैसे है? क्योंकि जो बैलेंस शीट में दे रखी थी वो तो 5 और 5 10 थे, पेड अप कैपिटल 5 थी, रिजर्व एंड सरप्लस 5 था, फिर 5 लाख का जो रिजर्व एंड सरप्लस था उसमें से 2 लाख का हमने डिविडेंड दे दिया 40%, तो अब रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख थोड़ी रहा, 5 में से 2 चले गए ना, तो वो 2 चले गए तो अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना रहा? 3, और पेड अप कैपिटल तो अभी भी 5 ही है, तो मेरी नेट एसेट अब कितनी हो गई? 8। तो ये तो डिविडेंड बाद देने के बाद वाली नेट एसेट है ना, तो ये उस समय निकाल रहा है बस। अब हमारा कंसर्न इतना सा है, ये भी सिंपल है, 8 का 25% करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, हमारी 2.5 है, 2 है, तो गुडविल आ गई, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा कंसर्न इतना सा है कि ये इसने एक बैलेंस शीट डेट पे करी, डेट ऑफ एक्विजिशन पे इसने कुछ भी नहीं करा, ये है। अब डेट ऑफ एक्विजिशन पे अगर मैं खड़ा रहता तो 10 लाख की मेरी नेट एसेट थी, 25% मेरा शेयर था तो वो आता 2.5 लाख, खरीदी थी मैंने 3 लाख में, तो उस समय भी 50,000 की गुडविल आ जाती, और यहां भी कोइंसिडेंटली कितनी आ रही है? 50, ठीक है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। अब आप ये वाले आप सॉल्यूशन इनका फॉलो करना, इन्होंने जिस दिन पे हमने डिविडेंड वगैरह दे दिया, डिक्लेयर विक्लेयर कर दिया, बैलेंस शीट डेट पे आ गए, उस दिन की नेट एसेट से कंपेयर कराया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को, ये दोनों चीज सही ली है इसने। 3 लाख में से मेरे को 50 का डिविडेंड मिल गया, तो मैं प्री एक्विजिशन मान के माइनस भी करूंगा, नेट एसेट में मैंने 10 नहीं लेने चाहिए, 2 हटाने चाहिए क्योंकि रिजर्व दे दिया, तो 8 ही लेने चाहिए, 8 ही लिए हैं, इस सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं है।
और जो पुराने वाले में सॉल्यूशन में था वो उसमें डेट ऑफ एक्विजिशन की भी निकाल रहा था बस। तो अभी आप यही वाली निकालना, मगजमारी खत्म। निकल उधर भी 50 रही है, अगर मैं वो इनिशियल में निकालू तो, और अभी निकालू तो भी कितनी आ रही है, 50 आ रही है। समझ गए? वापस सुन लो, इनिशियल में निकालूंगा तो नेट एसेट लूंगा 10 लाख, मेरा शेयर है 25%, 10 लाख का 25% आएगा 2.5 लाख, इन्वेस्टमेंट कराया मैंने 3 लाख का। सुनो, उस समय मुझे डिविडेंड नहीं मिला था, उस समय थोड़ी मिला है मुझे, तो 3 में से मैं 2.5 हटाऊंगा तो मेरी गुडविल कितनी आएगी, 50। अब मैं आऊं थोड़ा आगे बढ़ूं, अब मुझे डिविडेंड मिल गया तो 3 में से, क्योंकि डिविडेंड पिछले साल का है, तो 3 में से मैं 50,000 का डिविडेंड हटा दूंगा तो कॉस्ट कितनी बची, 2.5। नेट एसेट मेरी 10 नहीं है अब, क्योंकि 2 का डिविडेंड मिल चुका है, रिजर्विंग सरप्लस से कम हो चुके हैं, तो अब मेरी नेट एसेट कितनी बची है, 8। 8 का 25% कितना आएगा, 2.5, अरे 2, और 2.5 में से 2 जाएंगे तो फिर मेरी गुडविल आएगी 50। ये मैंने आपको दोनों बता दिए, डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी और बैलेंस शीट डेट पे भी। क्लियर है? अगले साल पे आओ, अगले साल पे आओगे तो अगले साल पे मुझे फिर प्रॉफिट हुआ है, एक बार क्वेश्चन में देखो कितना प्रॉफिट हुआ है, 7 लाख। अब पूरा 7 लाख मेरा थोड़ी है, ठीक है, मेरा 25% है, 7 लाख का 25% कर लो कितना आएगा, 1.75। ये जो पागलपने करें ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ये पिछली वाली क्यों बता रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट में से ले गए, वो तो कर दिया ना हमने ऊपर, ये रिक्वायर्ड नहीं है। 1.75 का डिविडेंड है, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 2.5, पहले आई थी ना 2.5, 1.75 का प्रॉफिट ऐड हुआ, ये प्रॉफिट ऐड हुआ, और इसमें से डिविडेंड क्या होता है, लेस होता है, लेकिन जो डिविडेंड मिला है वो तो मुझे पिछले साल का मिला है, वो तो मैंने प्री कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया, तो अभी डिविडेंड कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर चुका हूं। प्रॉफिट ऐड होगा 2.5 में 1.75, तो ये कितना हो गया, 2.4, और ये है ना 0.5 गुडविल के अलग ले रहा है। आप वहां से ऊपर से लेके चलोगे ये, हाँ हम 3 ही लेके चलेंगे, तो ये 3 अगर लेके चलेगा तो 3 में 1.75 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 4.75। और ये पागल की आदत है कि ये ऊपर गुडविल अलग कर ली, नीचे भी अलग करेगा, हर साल अलग ही करता रहेगा, इनर कॉलम में अलग दिखाएगा और आउटर कॉलम में तो ग्रॉस पे ही दिखाएंगे, किस पे दिखाएंगे, ग्रॉस पे, ठीक है। ये आपका समाप्त हुआ, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लो बिंदास, बंद कर दो भाई इसको।